लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। इसके साथ ही 16 लाख परीक्षार्थियों के तकदीर का फैसला हो गया जो लॉकडाउन के कारण अटका हुआ था। हालांकि बोर्ड की जिस आधिकारिक वेबसाइट maharizult.nic.in पर छात्रों को दोपहर 1 बजे रिजल्ट देखने का सुझाव दिया गया था, वह चालू होते ही क्रैश हो गई और देर शाम तक नहीं चली। ऐसे में लाखों छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पाने से निराश रहे। जाहिर है शिक्षण मंडल की भारी लापरवाही और घटिया प्रबंधन का सबूत है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण अधर में लटका महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गया। लेकिन 16 लाख परीक्षार्थियों में से लाखों छात्र अपना रिजल्ट देखने से वंचित रह गए। असल में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और शिक्षण मंडल दोनों ने ही छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट maharizult.nic.in पर दोपहर 1 बजे रिजल्ट देखने का सुझाव दिया था, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट चालू होते ही क्रैश हो गई और देर शाम तक नहीं चली। जाहिर है इससे लाखों छात्र रिजल्ट नहीं देख पाने से निराश रहे। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर न तो कोई खेद जताया गया, न ही कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए। रिजल्ट भले ही 1 बजे आने वाले थे, लेकिन शिक्षण अधिकारियों ने सुबह को ही परीक्षा परिणामों की जानकारी दे दी थी। इस बार 99.95% रिजल्ट आए हैं। वहीं कोंकण के छात्रों ने 100% रिजल्ट हासिल किया है। इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।